बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम इस वक्त मौजूद है हाउस ऑफ जेडीसी में। देखिए मैं आपको बताऊं, इस वक्त जेडीसी जो 22 से 23 मकामात पे सिर्फ कराची में जो खाने खिला रही है, अब उसमें मजीद इजाफा होने जा रहा है। इंडस अस्पताल के बाहर रोड के ऊपर कल से खाने का कंटेनर इंशाल्लाह लग जाएगा और वहां पर भी लोगों को सुबह का नाश्ता, जो मरीजों के अटेंडेंट होते हैं, लेकिन ये अस्पताल के बाहर होगा, रोड पर होगा नाश्ता, उसके बाद दिन का खाना और फिर चलता रहेगा सिलसिला नाश्ते से लेकर रात के खाने तक। उसके अलावा जो करीमाबाद के ब्रिज से जब आप उतरते हैं और आयशा मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं तो उल्टे हाथ पे एक इंस्टीट्यूट था एक बिल्डिंग में, जिसके ऊपर एक एंटीना भी लगा हुआ है एक टेलीफोन कंपनी का, उस बिल्डिंग को ले लिया गया रेंट पे और वहां पर नीचे पूरा रेस्टोरेंट बना दिया गया है। 4 तंदूर और 12 बड़े चूल्हे लगा दिए गए हैं। जो गरीब बच्चियों को खाना भी हम देते हैं शादियों का, वो भी वहीं से बनेगा, वहां पर भी खाना स्टार्ट हो रहा है। कल से 250 मर्द 250 औरतें वक्त में खा सकते हैं और फिर वो खा खा के निकलते रहेंगे, तो दिन भर इस तरह चलेगा। 15,000 लोगों का खाना वहां से चलेगा। सिविल अस्पताल और SIUT वाला कंटेनर जो कि जाफर फैमिली फाउंडेशन ने रिकॉर्ड दिया, वो रेडी हो गया, कल से इंशाल्लाह वो भी वहां लग जाएगा और खाने के सिलसिले का आगाज हो जाएगा। जो इंडस अस्पताल के बाहर खड़ा होगा वो खान्स फैमिली है, यूके की, लंदन की, उन्होंने दिया है, ये रेडी हो रहे हैं। इसके अलावा हाईवे पे जो कंटेनर खड़ा होना है वो भी खरीद लिया गया है, ट्रक वो रेडी हो रहा है। ये 3 दस्तरखान मजीद कल कराची में खुल जाएंगे और इस्लामाबाद में जिस तरह पिम्स अस्पताल के बाहर है वैसे रावलपिंडी में पूरा रेस्टोरेंट ले लिया गया है और उसका काम चल रहा है, 3 से 4 दिन में खुल जाएगा। लाहौर का आप देख रहे हैं रेस्टोरेंट, बड़ी स्पीड में खाना चल रहा है, क्वांटिटी बहुत बढ़ गई है वहां पर। इसी तरह से गुजरांवाला में और फैसलाबाद में भी काम चल रहा है, अपडेट आपको देता हूं। ये 3 मजीद और खुल रहे हैं बड़े रेस्टोरेंट। आपको वीडियो दिखाने का मकसद यह है कि आप अपनी जानिब से, अपने मरूमीन, अपनी कंपनी, इदारे, दोस्तों की जानिब से, जो बैरून मुमालिक मुखीम पाकिस्तानी है, आपका $1.165, आपका £1.200 के बराबर है भाई, जेडीसी को इस खाने के प्रोग्राम में सपोर्ट करें। और जो लोग डायलिसिस सेंटर्स में सपोर्ट करना चाह रहे हैं वो भी रब्ता करें। ये तमाम प्रोजेक्ट्स आपकी मदद से चल रहे हैं। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, अगर आपके शेयर करने की वजह से एक शख्स एक बंदे की खाने की जिम्मेदारी 90 रुपए भी दे देता है तो आप यकीन करें बड़ी नेकी होगी। हमने अपने किसी दस्तरखान के बाहर कोई डब्बा चंदा कुछ नहीं लगाया हुआ, किसी यतीम मिस्किन की तस्वीर नहीं लगाई। आओ खाना खाओ, जितना पार्सल चाहिए लो और घर जाओ। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। एक और बात बता दूं, हमारे दस्तरखानों पे सारा मसाला मेहरान मसाले और दस्तरखानों में जितना भी आटा इस्तेमाल हो रहा है कराची में, वो सारा आटा GFS बिल्डर दे रहे हैं। इरफान भाई साहब का शुक्रिया और मेहरान मसाले वालों का शुक्रिया, उनकी जाने से मसाला देना शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, आप तेल की मद में सपोर्ट करें, आप दालों की मद में सपोर्ट करें, आप चावल की मद में सपोर्ट करें, पार्सल के लिए जो पैकेट खरीदे जाते हैं उसमें सपोर्ट करें, जो गैस आ रही है एक महीने में सिलेंडर उसका बिल ₹1,000,000 में जा रहा है उसमें सपोर्ट करें। मैं आपकी सपोर्ट की भरपूर जरूरत है अपनी जानिब से, अपने मरूमीन की जानिब से। इस कार्य खैर में हमारे साथ, इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। थैंक यू।